फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिक्कल लॉजिस्ट लिमिटेड शेयर के बारे। आज हम लोग इस शेयर का चार्ट रीडिंग करके जानेंगे, इसका टारगेट और स्टॉप लॉस 3 आवर के चार्ट से लेके मंथली चार्ट तक हम लोग टेक्निकली फंडामेंटली दोनों समझेंगे, और इस शेयर पर जो न्यूज़ वगैरह होगा हम लोग वो भी जानेंगे, और भी हम लोग बहुत कुछ जानेंगे वीडियो के एंड में। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने 3 आवर का चार्ट सेट कर लिया है। तो 3 आवर के चार्ट पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 8 रुपये 10 पैसे का, सेकंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 8 रुपये 45 पैसे का, और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 9 रुपये 5 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 7 रुपये 85 पैसे का, सेकेंड जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 7 रुपये 50 पैसे का, और थर्ड जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 7 रुपये 25 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी तक हमने 3 आवर के चार्ट पे हम लोग जाना है इसका टारगेट और स्टॉप लॉस। अब हम लोग डे कैंडल पे देखते हैं। तो डे कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है वो होगा 8 रुपये 75 पैसे का, सेकेंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 9 रुपये 60 पैसे का, और सेकेंड इसका जो टारगेट होगा 9 रुपये 60 पैसे का, और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 11 रुपये 10 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 7 रुपये 25 पैसे का, सेकेंड जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 6 रुपये 40 पैसे का, और इसका थर्ड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5 रुपये 65 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग बात करेंगे वीकली कैंडल पर। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, डे कैंडल और 3 आवर के कैंडल पे जो मैंने बताया वो शॉर्ट टर्म के लिए है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड, तो वीकली कैंडल पे जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 10 रुपये 55 पैसा का, 10 रुपये 55 पैसे का, और सेकेंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 15 रुपये 50 पैसे का, और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 22 रुपये 45 पैसे का, 22 रुपये 45 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 7 रुपये 30 पैसा का, इसका सेकंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग चलते हैं मंथली कैंडल पे। तो वीकली और मंथली कैंडल पे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस सेम है फ्रेंड। अब मैं आपको 2 टेक्निकल इंडिकेटर सेट करके बताने जा रहा हूँ, एक है RSI और एक है MACD। मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ, RSI और MACD को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, RSI जो है मंथली कैंडल पे वो आपका 28 पे है। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग जाके देखते हैं वीकली कैंडल पे। तो वीकली कैंडल पे जो RSI है वो 33 पे है। आपको बता दूं कि ये जब ओवरबॉट जोन पे हो तो सेल किया जाता है, और ओवरसोल्ड जोन पे हो तो बाय किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये अभी ना ओवरबॉट जोन पे है ना अभी ये ओवरसोल्ड जोन पे है। ठीक है, अब हम लोग डे कैंडल पे देखते हैं। तो डे कैंडल का RSI जो है 41 पे है, और 3 आवर का जो RSI है वो 49 पे है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग इसमें सेट करने जा रहे हैं MACD को। अब मैं आपको MACD सेट करके बताने जा रहा हूँ। देखिए, MACD को सेट करते हैं हम लोग। तो मैंने MACD सेट कर लिया है। MACD 3 आवर के चार्ट पे देखें तो यहाँ पे देखिए ऊपर से क्रॉस ओवर करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके लाइन पे देखिए यहाँ पे नीचे। अब हम लोग डे कैंडल पे देखते हैं। तो डे कैंडल पे देखिए बहुत अच्छा ग्रीन सिग्नल बना हुआ नज़र आ रहा है, मगर इस सिग्नल का कोई मतलब ही नहीं निकल के आ रहा है। ये यहीं पर है प्राइस आप लोग देख सकते हैं, बहुत दिनों से यहाँ से मतलब 6/23/2022 से ये एक ही लाइन पे चल रहा है, ये साइडवेज जोन पे ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग वीकली कैंडल पे देखें तो देखिए ये ऊपर की ओर यहाँ से नीचे से क्रॉस ओवर बनाने की तैयारी में है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर क्रॉस ओवर बनने वाला है। यहाँ भी देख सकते हैं, ये जैसे ही क्रॉसओवर बन जाएगा, ये वीकली कैंडल का चार्ट है, ये जैसे ही क्रॉसओवर बन जाएगा ये बहुत ही हाई जाने वाला है। इसका टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 10 के पार चला जाएगा और 20 के नीचे रहेगा इसका टारगेट। ठीक है,
ये वीकली कैंडल का MACD आपको बता रहा है। अब हम लोग मंथली पे भी मैं आपको एक बार जाके दिखा देता हूँ। तो मंथली पे भी देखिए, जब ये इस टाइप का लाइन चलना स्टार्ट होता है, इस टाइप का लाइन जब चलना स्टार्ट होता है, उसके बाद ये ग्रीन ग्रीन बनना स्टार्ट होता है और ये पैसे को डबल कर जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने अभी तक इसका कैंडल एनालाइज देखा, अब मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाता हूँ। चुके हैं फ्रेंड हम लोग फंडामेंटल्स के अंदर, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये फंडामेंटल्स। ठीक है, सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये शेयर का नाम है। बाउंड वीक की हाई की बात करें तो 23.75 रुपये है, बाउंड वीक लो की बात करें 7.60 रुपये है। मार्केट कैप की बात करें 47 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और शेयर होल्डर्स की बात करें 56.2 के इसका शेयर होल्डर्स है। एक मंथ की रिटर्न की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न है, देखिए 11.48% का नेगेटिव रिटर्न है। वन ईयर रिटर्न की बात करें 41.73% का नेगेटिव रिटर्न है। ये शेयर जो है 40% से अधिक गिर चुका है, अभी सही समय है ख़रीदारी करने का। आप लोग देख सकते हैं ये लो के लाइन पे ऑलरेडी आ चुका है, हाई के लाइन पे गया था और उसके बाद यहाँ से ये गिर चुका है सटाक से। ठीक है, अब हम लोग जाके इसका देखते हैं न्यूज़। तो इस शेयर पे पुराना न्यूज़ है, हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। अब हम लोग इवेंट्स भी देख लेते हैं। तो 27 जून को इवेंट जो था अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक है फ्रेंड, और इसमें जानने लायक तो कुछ नहीं है फ्रेंड। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।